नमस्कार आप सभी को। इन दिनों लाइब्रेरी साइंस फील्ड में काफ़ी सारी वैकेंसीज चल रही हैं, साथ में नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी, जिसमें क्या कि LDC UDC ऑफिस स्टाफ की वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो बिल्कुल इन दिनों जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ की, साथ में लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसीज आई हैं, उनके वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं, रिसेंटली पोस्ट किए हुए हैं, उनको ज़रूर देख लेना। और थंबनेल पर ही लास्ट डेट मिल जाती है, ताकि कोई भी नियर बाई आपके हो और वहाँ पर आप अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ज़रूर आप उनमें अप्लाई कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। वेरियस टेलीग्राम चैनल्स हैं अलग अलग वैकेंसीज़ को लेकर के, या फिर सॉरी पोस्ट को लेकर के, जैसे लाइब्रेरियन की है और नॉन टीचिंग स्टाफ की है, टीचिंग स्टाफ की है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी ये वैकेंसी आई है राजस्थान से, तो राजस्थान में जो आपकी GGTU यूनिवर्सिटी है, इन्होंने 59 वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि यहाँ पर आपके MTS की पोस्ट है, एक आपकी लैब की पोस्ट है, और आपके जो असिस्टेंट को लेकर के एक आपके जूनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर। साथ ही एक आपकी पोस्ट है पुस्तकालय सहायक की, यहाँ पर टोटल पोस्ट दो है। जनसंपर्क सहायक की भी पोस्ट है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देना है। इनकी क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं, उससे पहले आपके जो फॉर्म है शुरू हो चुके हैं, 25 अप्रैल से 24 मई तक चलेंगे। JGTU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, ये इनका जो है नोटिफिकेशन है, गुरु गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। ये ऑनलाइन शुल्क दिया हुआ है, कितना क्या आपका चार्ज होगा। यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन रहेगी। ये आपके पेज नंबर 10 से यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, ये सभी यहाँ पर मेंशन की हुई है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि पुस्तकालय सहायक के लिए क्या है, तो ये आपकी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बिलिप है, एवं अनुभव जो है कॉलम 7 के अनुरूप, न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। साथ में पूर्णतः संविदा के आधार पर आपको जो पे किया जाएगा 13,150। इसके अलावा और भी जो पोस्ट है, इनकी क्वालिफिकेशन और ये जो न्यूनतम पे किया जाएगा वो भी मेंशन किया हुआ है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। रही बात ये जो वैकेंसी है आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल है, एक संविदा के आधार पर है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, रेगुलर बेसिस पर नहीं है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। साथ में इसमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा, केवल राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र TSP के अभ्यर्थियों के लिए है, जैसे कि बांसवाड़ा आपका TSP एरिया में है, जो राजस्थान का TSP एरिया है, वो अभ्यर्थी ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ही आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो इसकी और भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखिए, क्वालिफिकेशन तो हमने देख ली है, और मेन एलिजिबिलिटी आपकी यही है कि TSP एरिया से आप हो। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। इस तरह की नई नई वैकेंसीज जानने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिसेंटली पोस्ट किए हुए वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा।